जी कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 जून वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस हम सब लगे हुए हैं अपने घर के कामों में। दो तीन दिन हो गए हैं वैसे अभी हमें यहाँ पर आए हुए, पर देखिए घर है तो घर में काम भी होगा, वो चाहे ससुराल का हो या मायके का हो। लेकिन मायके की ये बात है कि हमारा मन रहता है तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जैसे कि ससुराल में तो पूरा का पूरा घर हमें संभालना ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मायके में वो बात नहीं रहती। मायके में तो हम जैसे थोड़ा बहुत अपना मन रहता है तो काम कर लेते हैं, पर मम्मी अकेली है तो देखिए ये तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे देखते रहें और मम्मी घर का पूरा काम करती रहे। और देखिए सब मिलकर करते हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है, मम्मी अकेले पूरा दिन लगी रहेगी और वैसे भी मम्मी से अभी इतना ज़्यादा काम नहीं बनता है। और कीर्ति गई हुई है अपने मायके, मेरी भाभी का नाम कीर्ति है। शायद जो डेली व्लॉग देखते हैं या पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। और देखिए मायके जाने का तो सबका ही मन करता है, जैसे हम आए हैं वैसे ही उसका भी मन है। तो अभी 10-15 दिन हो गए हैं उसको गए हुए, और मुझसे पहले आई हुई थी मेरी छोटी सिस्टर, उसके पास थोड़ा सा टाइम रहता है, जैसे 10-12 दिन वो रुक कर गई थी। जॉइंट फैमिली में हैं, काम की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा तो आप सबको पता ही है कि हम तो बस 2-4 दिन के लिए ही आ सकते हैं, और मेरी ये कोशिश थी कि कीर्ति के आने के बाद मैं आऊँगी, लेकिन मम्मी से इतना ज़्यादा काम नहीं बनता है और बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो 2-4 दिन का काम हम चला देते हैं। तो अभी जैसे भी टोड़ पर थोड़ा सा गोबर लगाना था, बारिश का सा मौसम हो गया है, तो हम दोनों माँ बेटी बड़ाई में पहुंच गए थे। थोड़ा सा तो गोबर लगाया और उसके बाद फिर अभी मिट्टी ले चलते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ की बिल्कुल काली मिट्टी है, और इस मिट्टी से आप हारा चूल्हा कुछ भी बनाइए फूटता नहीं है बिल्कुल भी। 12 महीने 2 साल तक कोई मतलब नहीं है फूटने का। जैसे कि हमारी साइड इतनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं रहती है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है हारे चूल्हे बनाने के लिए। मिट्टी का चाहे आप कुछ भी बनाएं, घड़े वगैरह बनाने के लिए भी हमारे यहाँ तो जैसे गाँव में जो मिट्टी रहती है ना उसी से मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। और आप सभी कल बोल रहे थे कि दीदी आप तो मायके आते ही काम में लग गए, तो जी देखिए ससुराल हो या मायका घर है तो काम भी होगा, काम तो करना ही पड़ता है। और मेरा तो हमेशा से यही है, मेरा नहीं हम चारों बहनों का यही स्वभाव है, जब भी आते हैं तो मम्मी रहती है तो मम्मी के साथ तो देखिए सारा काम करवाना ही पड़ता है। बाकी कीर्ति के साथ भी हम मिलजुल कर काम कर लेते हैं, काम करने से कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन ये है कि सबको साथ में बैठने का और बातें करने का टाइम मिल जाता है। एक जन बैठा रहे और दूसरा काम में लगा रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ रहती है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अपना अपना सबका स्वभाव रहता है और काम करने का अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। तो जी देखिए हमारी तो हमेशा से ऐसी ही लाइफ रही है और कुछ काम करने की आदत भी है। और बेटियों को तो बहुत कम मौका मिलता है माँ बाप के लिए कुछ भी करने का, ज़्यादातर देखिए हारी बीमारी कुछ भी होता है तो हमारा तो यह है कि फ़ोन करके पूछ लिया, बहुत कम ऐसा होता है कि हम आ पाते हैं या कुछ कर पाते हैं। तो बस कभी कभी मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत अपना जो फ़र्ज है वो निभा लेते हैं। ये मैंने कल आइसक्रीम बनाई थी, तो बड़ाई से आने के बाद फिर मैं और मम्मी बैठ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, बच्चों को भी मैंने आइसक्रीम दे दी थी। नानी के घर आने के बाद खाना पीना तो वैसे देखिए चलता ही रहता है, असली मज़े तो बच्चों के ही रहते हैं और इसीलिए पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे। उसके बाद फिर हम सब आ गए थे छत पर, और ये देखिए ये काड़ा रोंज है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे हमारे यहाँ पर। लेकिन बच्चों को ये सारी चीज़ें देखिए आजकल कहाँ देखने में मिलती हैं, और अभी खेत भी लगभग जैसे ख़त्म से ही हो गए, नहीं पहले हम छोटे छोटे थे ना तो हमारे यहाँ पर रोंज बहुत ज़्यादा होते थे। तो बस नहा धोकर अभी मैं कर रही हूँ दही बड़े बनाने की तैयारी। हमारे घर में दही बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी भी हमेशा बनाती ही रहती है, तो बस आज सब इकट्ठे हो रखे थे ना तो कल से ये था कि दही बड़े बनाएंगे। दाल को तो मैंने बड़े ही अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए डबल हो गई है। वैसे तो दही बड़े हम बनाते ही रहते हैं, और तेल भी गर्म हो गया है, बस अभी इनको तेल में से निकाल लेते हैं। बाकी की तैयारी रितिका देख लेगी हमेशा की तरह। खोले रितिका, इसने
तो जी ये देखिए, आज वैसे हमारी दाल काफ़ी फूल गई है, एकदम ऐसी हो गई है जैसे हम जलेबी वगैरह के लिए मैदा गोड़ते हैं ना वैसी, इतनी ज़्यादा फूल गई है, थोड़ी सी ज़्यादा ही फेंटती आज मैंने। क्यों गया? कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में सबको पसंद आती है, तो हम जब भी इकट्ठा होते हैं कुछ बनाने की बात आती है तो घूम फिर कर हम दही बड़े पर ही आ जाते हैं, और मम्मी को तो दही बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वैसे मुझे भी पसंद है, वो तो आप सब वीडियो में देखते ही हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ। और मम्मी के हाथ का खाना या कोई भी चीज़ हो वो तो देखिए हम हमेशा याद रखते हैं, और ये रहता है कि ये चीज़ मम्मी ज़्यादा अच्छी बनाती है, लेकिन हमें कम ही मौका मिलता है अपने हाथों से कुछ भी बनाकर खिलाने का, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सबके लिए दही बड़े बनाती हूँ। तो अभी बड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, साथ के साथ ही इनको जैसे पानी में डालकर छोड़ देंगे, फूलने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, और जैसे ही हमारी तैयारी स्टार्ट होती है बच्चों को बड़ी जल्दी हो जाती है कि कब तक बनकर तैयार होंगे। और पानी मैंने मटके का ही लिया है, बस इसमें थोड़ी सी हींग और नमक डाल दिया है, बस ये दो चीज़ें ही डालती हूँ मैं तो बड़े के पानी में। तो जी अभी बड़े तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए, बस अभी इनको थोड़ी सी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक फिर से टीवी देख लेते हैं। तो जी अभी बड़े तो हमारे अच्छे से फूल गए हैं, बच्चों के लिए प्लेट लगा देती हूँ। दही वैसे मैंने सुबह ही मीठा मिक्स करके फ्रिज में रख दी थी ताकि खाने के टाइम तक अच्छे से ठंडी हो जाए, थोड़ी सी देर के लिए हम बड़े भी फ्रिज में रख देते ना तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते खाने में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जैसे सबके लिए एक एक प्लेट लगा देती हूँ, उसके बाद फिर इनको फ्रिज में रख देंगे उठाकर, या तो दोपहर को खाएँगे या फिर खाएँगे शाम को। गुल्लू के आने के बाद, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही चला जाता है और फिर रात को आता है, तो रात को उसके आने के बाद जैसे खाना वाना होता है तब भी हमारी मंडली ज़रूर जमती है, और खाने में हम कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं रात को सब साथ में बैठकर खाने के लिए, चाहे हल्का फुल्का ही कुछ तैयार क्यों ना करना पड़े, क्योंकि आने के बाद ये रहता है कि आज क्या बना है। तो जी बस अभी मैंने सबके लिए प्लेट लगा दी है, खटाई तो वैसे घर पर हमेशा बनी हुई रखी ही रहती है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4:30, और बस झाड़ू लगा लेते हैं फिर अपने घर के काम पर लगेंगे। गर्मी नहीं है, गर्मियों में तो देखिए जैसे 6 बजे के आसपास काम शुरू होता था, मौसम 2 दिन से बदला हुआ है लेकिन बारिश तो हो नहीं रही, पर यह है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल भी दोपहर को ऐसा ही मौसम था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी, और आज भी दोपहर को एकदम से मौसम बदल गया था लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है, बस ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है। और हमारा ऐसा है कि देखिए काम भी करना है और बातें भी करनी है, तो मैं तो अपना काम थोड़ा सा जल्दी ही शुरू कर देती हूँ ताकि धीरे धीरे करके काम भी होता रहे और साथ में हमारी बातें भी चलती रहे। तो जी ये सुबह मिट्टी लेकर आए थे, अभी इसको अच्छे से फोड़कर भिगोकर छोड़ देंगे, इसकी हम बनाएंगे एक मिट्टी की अंगीठी। आरा और चूल्हा तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत बनाना आता है, लेकिन अंगीठी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, और मम्मी को जैसे हारा चूल्हा अंगीठी ये सारी चीज़ें ही बनानी आती हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी अंगीठी बनानी सीख लेती हूँ, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा काम आती है और गर्मियों में भी, गोश्ते का ईंधन घर पर रहता ही है क्योंकि अंगीठी में आग जलाने के लिए ज़्यादातर गोश्ते और कोयले ही चाहिए रहते हैं। तो बस अभी मैंने मिट्टी को अच्छे से फोड़ लिया और उसके बाद इसमें डाल दिया पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मिट्टी को हम भिगोकर छोड़ देंगे। काली मिट्टी है तो थोड़ा सा भीगने में भी टाइम लेगी और इतना ज़्यादा हमें पानी भी नहीं डालना है, जैसे हम चूल्हा वगैरह लीपने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है, इसमें बस ऐसा पानी डालना रहता है कि ये मतलब भीग जाए, ज़्यादा ढीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अभी बज गए हैं 6:30 और मैं और रितिका फिर से आ गए हैं घूमने के लिए, काम वैसे सारा निपट गया था बस खाना बनाना रह गया है, वो जाकर देखेंगे। हाँ क्या कपड़े किक्कर से ये किक्कर से? हाँ इसी लग पा छोड़ना और किसी होया करें किक्कर और बता दे किक्कर का पत्ता तो दूसरा है। अरे ये काबली किक्कर है और ये हमारे यहाँ पर होने वाली किक्कर सबसे ज्यादा जो होती है, इसकी सूढ़ बड़ी खतरनाक हो है, पूरा नो ले आ जा। ओहो, मेरे तो आ जा पड़ी थी मम्मी कड़ा पड़ी थी।
आज थोड़ा सा जल्दी निकल लिए हैं हम बाहर। कल तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, वैसे आज काम भी थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, और काम का आप सबको पता ही है। आज मम्मी नहीं आई है, मम्मी का अभी दूध का काम चल रहा था, तो सोचा चलो तब तक हम थोड़े से टहल लेते हैं। हाँ हाँ, देख के आओगे कंपनी खाली क्यों, चल रहा था पानी को नहीं भी ना, पहले पानी रहा करता तेरे बोर्ड क्यों दिख रहा, पानी कड़ा गया सूख गया के है गिर लिया, चल गिर गई। देखो 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 पाई गया मैं कौन देख के आऊं भट्ठे भुट्ठे। तो जी बस अभी हमारी 1-1.5 घंटे में मिट्टी तो अच्छे से फूल गई थी, तब तक बाहर चले गए थे, थोड़ी सी देर घूम फिर लिए हैं और आते ही फिर से लग गए अपने काम पर। और ये मैंने ले ली है तूड़ी, जो हम भैंसों को डालते हैं वही तूड़ी ली है मैंने। रणी भी मिक्स कर लेते हैं, जो तूड़ी को छानने के बाद जैसे रणी निकलती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा बारीक रहती है, लेकिन मैंने तो तूड़ी ही ली है। और ज़्यादातर मम्मी भी तूड़ी ही डालती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है। ये लगा लीजिए कि जितनी हमारी मिट्टी है ना, उसके तीसरे हिस्से की तूड़ी तो मिक्स हो ही जाती है। तो एक तसला भरकर हम सुबह मिट्टी का लेकर आए थे, ऐसे तो कोई आइडिया आएगा नहीं, बिल्कुल सख्त सख्त मिट्टी बनानी रहती है हमें, और इतना ज़्यादा तो मैं आप सबको समझा भी नहीं पाऊँगी। तो बस धीरे धीरे करके अभी मैं मिट्टी बनाकर तैयार कर देती हूँ, बाकी का काम तो मम्मी देख लेगी, लेकिन मिट्टी वगैरह बनाने का काम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाथ दुखने लगते हैं मिट्टी बनाते बनाते। वैसे अभी तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी ही मिट्टी तैयार करनी है, बस एक तसला मिट्टी का था। लेकिन हर काम को करने की अपनी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद देखिए इतना ज्यादा काम नहीं हो पाता है। तो अभी मम्मी लग गई है जो हमें अंगीठी बनानी है ना, उसकी तली तैयार करने में। तो ये कट्टा ले लिया है, कट्टा इसलिए ले लिया है ताकि बारिश बुरिश आ जाए तो इसको हम उठाकर अंदर रख लें। एक बार तो सोच रहे थे कि अंदर ही बना लेते हैं, कूलर के सामने सूखती रहेगी, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रखा है। फिर उसके बाद कई बार सोचने समझने के बाद फिर बाहर ही कट्टा लगा कर इसकी ये तली बना कर तैयार कर दी है। तो इसमें तो सिंपल हमें जैसे गोल गोल मिट्टी का एक चकेरा सा बनाना है, और उसके ऊपर फिर ये हमने 2-3 पाए लगा दिए हैं। पाए भी लगा लेते हैं, या फिर जैसे जो मटके का मुंह रहता है हारा वगैरह बनाते हैं वैसे भी बना लेते हैं। मैंने मम्मी से बोलकर ये वाली बनवाई है, ये ज़्यादा अच्छी रहती है, वो थोड़ी सी जैसे गोल हारा टाइप में बनती है। तो अभी बस इसकी तली तैयार हो गई है और ये 4 पाए लगा दिए हैं, और इसको यहीं पर रख कर छोड़ देंगे सूखने के लिए, बाकी का काम इसका कल बनेगा। और फिर लास्ट में मम्मी ने बीच में भी एक पाया लगा दिया था ताकि थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए और इतनी जल्दी से फूटे ना। तो जी बस तली तैयार करने के बाद फिर हम लग गए हैं अभी खाने की तैयारी में। वैसे वो काम तो मम्मी का ही था, फिर मम्मी को थोड़ा बहुत भैंसों का भी काम करना रहता है, तो बस अभी मेरा और रितिका का काम है रात का खाना बनाने का। तो चूल्हे पर तो मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, तब तक रितिका आटा गूंथेगी। और सब्जी मैं बनाऊंगी अरबी की, कुछ स्पेशल तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह दही बड़े बनाए थे घूम फिर कर, जैसे बच्चों ने तो 1-2 बार दही बड़े खा लिए हैं और एक बार रात को भी दही बड़े ही खाने वाले हैं गुल्लू के आने के बाद। तो बस सिंपल अपनी वही रोटी सब्जी बना ली है, थोड़ी बहुत भूख है, इतनी ज़्यादा भूख तो है भी नहीं। तो जी ये हमारी हो गई है दही बड़े की प्लेट तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इतना ज़्यादा अटर बटर नहीं डाला है इसमें मैंने, जो हम वहाँ पर डालते हैं, जितने मिर्च मसाले घर पर हैं सारे वही हैं।
तो क्या मिलाओगी फिर? कचौड़ों खाओगे भी या दही बड़े भी? उल्टी चटनी जो थी ना गेरी है? ना गेर रखी है, तुम देख लियो कम लागे तो गेर लियो। तो जी बस अभी खाना वाना खा लेते हैं। वैसे बच्चों को तो मैं साथ साथ ही खिला देती हूँ, इनका खाना तो हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आता है और बच्चों को तब तक आने लगती है नींद। तो बस अभी मेरा, मम्मी का और इसका ही खाना बाकी था। खाना वाना खाने के बाद फिर अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए और अभी है हमारी सोने की तैयारी। ईशांत का आप सबको पता ही है कि खाना खाया और सो गया, तो ये तो आज टीवी देखते देखते बेड पर ही सो गया था। बच्चे अंदर सोते हैं और मैं सोती हूँ मम्मी पापा के साथ। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।